हाँ बेटा, अब एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो थ्योरेटिकल है। धारावाही चालक तार पर आरोपित बल की दिशा, जो हम ये धारावाही चालक तार ले रहे थे, पिछले दोनों टॉपिकों में लिया है, दो तीन टॉपिकों में। धारावाही चालक तार है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। इस चुंबकीय बल की दिशा कैसे याद करें, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि होती है तो भाई दिशा भी रहेगी। सदिश राशि है तो क्या रहेगी, दिशा रहेगी। तो इसकी दिशा का मान कैसे निर्धारित करें, ठीक है। दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए गए, एक तो है फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम और दूसरा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की तो हथेली है, इसका नियम है, और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक बेटा। पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को बताता हूं, छोटा सा ही 4-5 मिनट का टॉपिक है ये। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को बताते हैं। बाएं हाथ का नियम क्या है, यदि तीन उंगलियां, ये जो तीन उंगली और अंगूठे हैं, एक अपना अंगूठा, एक ये उंगली और एक उंगली, इसको माध्यमा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, उल्टा बोल दिया है। इसको क्या बोलते हैं, माध्यमा, और ये क्या होती है, तर्जनी। मध्यम स्थित हो गए लगभग, तो माध्यमा हो गई, ठीक है। और तर्क और कुतर्क तो ही करवावे ना, जो तर्क कुतर्क करे ना अपन कई बार उंगली करके, तो उंगली ये करवाओ तो कहते तर्क करके तो तर्जनी, ठीक है। और ये अपने पास अंगूठा है ही, इनको ऐसे पकड़ा जाए तीनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इस प्रकार से इनको पकड़ा जाए, यानी कि इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। देखो अब एक एक तो कहेगा यू आएगी, जैसे ऐसे पकड़ता हूं तो एक उंगली तो यू हो गई, अंगूठा ऐसे चला गया, और तीसरी कहां, जो लंबवत जो बाहर है ना, तीसरी हो गई ऐसे। तीनों को एक दूसरे के लंबवत पकड़ा जाए, और इनमें ये जो माध्यमा है ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करे। माध्यमा किसको प्रदर्शित करे, विद्युत धारा को। तर्जनी किसको प्रदर्शित करे, चुंबकीय क्षेत्र को। तो चालक तार पर आरोपित बल की दिशा कहां होती है, अंगूठे की दिशा में, ठीक है। चित्र देखो, ये हाथ को चित्र मुंह पर ठीक ना बने, किताब में देख लीजो, बम बढ़िया बन रहे, ठीक है, फिर भी बना लो, प्रयास तो कर लो। ये तो अंगूठा है वो है ना, ये उंगली है गई, ये दूसरी उंगली है गई, ये माध्यमा वाली है ना, ठीक है। मैं नेक्स्ट देख लूंगा, हम और यह में आई थी ये उंगली, ये दो उंगली है गई, तीसरी उंगली और ये चौथी उंगली, और ये क्या है वो अंगूठा, ठीक है ना। अभी हाथ है ऐसे चौड़ा कर रहे हो हमेशा, नेक्स्ट में पतला हो जाएगा। ठीक है ना, यहां भी हाथ की रेखा है। तो अब देखो क्या कह रहा हूं, जो माध्यमा है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, विद्युत धारा की दिशा को। माध्यमा किसको प्रदर्शित कर रही है, विद्युत धारा की दिशा को। और ये जो तर्जनी है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो आरोपित बल किसके द्वारा, अंगूठे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आरोपित बल किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा बेटा, अंगूठे के द्वारा, ठीक बेटा। तो ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए पहला। दूसरा होता है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली नहीं है, इसको ऐसे खुला कर दो। अब यदि खुले हुए में उंगलियां, भाई तर्जनी वाली है ना, तर्जनी वाली उंगली तो चुंबक के क्षेत्र को दिखाएगी, तो उंगलियां चुंबक के क्षेत्र को दिखाएं, है ना बेटा। और जो ये अंगूठा है ना, ये धारा की दिशा को दिखा दे, तो हथेली है ना, खुली हुई हथेली ये आरोपित बल को दिखाती है ऐसे, यानी मतलब समझिए, जो चुंबकीय क्षेत्र वो इधर हो, धारा ऊपर हो, तो बल कहां है, बाहर, बल कहां आएगा, बाहर, ठीक है। अब यहां को चित्र बनाने का प्रयास कर लो थोड़ा सा,
फिर से करो देख ठीक बने ना है वो पे उंगली बना लो पहले चार है ना बेटा एक बराबर लंबाई रखोगे चल थोड़ी थोड़ी ऊंची नीची कर लेंगे ना दो मोटी है गई पतली कर दो दो तीन चार इस लास्ट बारे मुझे छोटी रही ना या छोटी बना तुम्हें ना बेटा चार चार तो उंगली है क्या ब्योर रहे हैं पोटुआ जल्दी के करें है ना ये पोटुआ है और ये उंगली घूम के न्यू यू आ गई है ना बेटा और ये अपन ने खोल रखे हो ना तो ई का है वो अंगूठा है वो मोटो रे वैसा आगे तैयारी ऐसे मोटो है हमारा मिस्टेक है मोपे थे ना ये अंगूठा है वो और ये हाथ हो गया है ना याद रहते ये हस्तरेखा है अपनी चाहते अपन पंडित के पास जाए दिखावे बाका मांगे तो इनमें ये क्या है तर्जन उंगली है तो उंगलियां किसको दिखा रही है चुंबक के क्षेत्र को अंगूठा किसको प्रदर्शित कर रहा है प्रवाहित धारा की दिशा को तो ये जो अथलीटी है ये किसको प्रदर्शित करेगी आरोपित बल की दिशा को ठीक बेटा तो इस प्रकार से चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए एक तो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा होता है दाहिने हाथ की हथेली का नियम ठीक बेटा तो लिखेंगे कैसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में लिखना पड़ेगा किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न बल के मान को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है ठीक है बेटा धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है करते हैं क्या इसमें बाएं हाथ की अंगूठे तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित रखते हुए अंगूठा तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित रखते हुए यदि माध्यमा किसको प्रदर्शित कर रही है प्रवाहित धारा की दिशा को तर्जनी किसको प्रदर्शित कर रही है चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठे के द्वारा आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है ये चित्र हो गया ना दूसरा पॉइंट दूसरा आता है कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम तो इसमें कैसे लिखना है किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा को दाहिने हाथ की हथेली से भी ज्ञात किया जा सकता है हथेली से ज्ञात किया जा सकता है इसमें दाहिने हाथ की उंगली और हथेली को उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के साथ फैला दिया जाए या हथेली को फैला लिया जाए और हथेली में उंगलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा को अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो उंगलियां किसको दिखा रही हैं चुंबक के क्षेत्र को अंगूठा किसको विद्युत धारा को तो क्या हो रहा है अथलीटी जो अथलीटी है ना खुली हुई अथलीटी आरोपित चुंबक के बल की दिशा को प्रदर्शित करती है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया थ्योरेटिकल टॉपिक बेटा देख लेना एक बार और किताब में भी इसको पढ़ लेना।